नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं नया लाफ्ट का काम चालू कर दिया हूं, तो आपको दिखाना चाहता हूं अपने नए लाफ्ट का काम। ये देखिए दोस्तों, मेरे नए लाफ्ट का काम मैंने चालू कर दिया है। और ये देखिए, यहां पे गेट रहेगा, ये गेट है, इसमें अभी हमें जाली लगानी बाकी है। और यहाँ पर आपको दूर से दिखा दूं, ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये अभी कॉलम ऊपर जाएगा, यहाँ इस साइड पे यहाँ जुड़ाई हो जाएगी। और जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये हमारे लाफ्ट का काम फाइनल हो चुका है, सिर्फ एक कॉलम भरना है मुझे, वो कल भरूंगा। आज शाम हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं, इधर देखा, चलो बाहर जाओ, यहाँ से निकलो। ये हमारा गेट भी फिट हो चुका है, यहाँ जाली लग जाएगी, ये इधर भी जाली लग जाएगी। और दोस्तों, ये इधर का भी ये अभी ढाल काट दूँगा, ये एक कॉलम भरना बाकी है। और पीछे भी हो गया है इधर का एक, हमें यहाँ से पाइप देना है, बस वो पाइप देना है, ऊपर चद्दर रख के इसमें जाली फिट करना है, आधा काम कल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक मिस्त्री हूँ, मेरे मकान के ठेके चलते हैं, तो ये सब मैं ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे घर का काम। तो आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा जो भी है सेटअप, ये मैंने जुगाड़ लगाया है और जुगाड़ लगा के ही किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक मस्त लाफ्ट और ये अपनी लंबी चौड़ी छत, यहाँ हम जैसे चाहे ऐसे वीडियो बना सकते हैं, जैसे चाहे ऐसे अपने कबूतरों को उड़ा सकते हैं। और ये जो पाइप दिख रहे हैं, इन पे अपन दो छतरी लगाएंगे, जो कि दोनों पाइपों पे, एक पे बड़े कबूतर रहेंगे और एक पे हम बच्चों को लगाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी और भी जो काम बाकी है वो मैं आपको बताते रहूँ, बंद कर। तो दोस्तों, हमारे लाफ्ट का कॉलम भी भर चुका है, आप उधर देख सकते हैं कोने में पट्टिये लगे हुए। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर 100% तैयार हो चुका है। हमने बीच में सेफ्टी के लिए एक आड़ा पाइप डाला है, जिस पे चद्दर का लोड रहेगा और उस पे हम ऐसी प्लाइयां रखेंगे जिससे चद्दर गर्म ना हो और हमारे कबूतरों को हीट ना लगे। और सामने जाली लगानी है, शाम तक ये कॉलम खोल के ऊपर चद्दर डाल के और जाली लगा दी जाएगी। और एक आध दिन में इसको हम कबूतरों को के लिए तैयार कर लेंगे, कबूतर हमारे दो एक दिन बाद आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस साइड भी ये हमने पट्टिये वट्टिये लगा दिए हैं और इस साइड जाली लग जाएगी, तो अब हमको सिर्फ चद्दर लगाने हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज हमारा लाफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। और ये हमारी छत का कुछ ऐसा नज़ारा है शाम शाम का, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल काली घटा छाई हुई है, इधर ये बादल देख सकते हैं। और शाम के 7:45 के समथिंग समय हो चुका है और हमारा लाफ्ट आज बनकर तैयार हो चुका है। और आज ही अगर टाइम मिला तो आज रात में, तारीख की बात की जाए, मई की आज 4 तारीख है, नहीं सॉरी 3 तारीख है, और आज मैंने लाफ्ट तैयार कर दिया है। ये आप लाफ्ट देख सकते हैं, ये बाहर से कुछ नज़ारा, अभी मैंने झाड़ू लगाई है तो अंदर बहुत कुछ सीमेंट उड़ रही है। और ये हमारा गेट भी तैयार हो चुका है, मैं आपको हमारे लाफ्ट का व्यू दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है। ये मैंने कुछ पानी वानी रात में आए तो ये पट्टिये लगे हुए हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सीमेंट की बोरी भी लगा दी है कि अंदर पानी ना जाए कहीं से। और ये देखिए, अभी सीमेंट उड़ ही रही है, तो अभी मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता, आप बाहर से ही इसका देख सकते व्यू कि कैसा आ रहा है। ये हमारा लाफ्ट है और ये हमारी छत है, तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये हम लोगों की छत है। और ये जो आपको सामने पाइप दिख रहा है, ये वाला, ये पाइप में और एक ये वाले पाइप में हमारी छतरी रहेगी। काफ़ी लंबी चौड़ी छत है हमारे नए मकान की। तो दोस्तों, ये 3 से 3.5 दिन की प्रोसेस में, ये दो दो घंटे रोज़ काम चला, एक दिन में दोपहर से लगा था और अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये 3.5 दिन मतलब 2-2 घंटे का एवरेज लगा सकते हैं आप कितना होगा। दोपहर में दो घंटे काम किया था और आज शाम को 2 घंटे, ऐसे ही ये आज 3 दिन
और 2 घंटे दोपहर में किया था। ऐसे ही मैंने ये लाफ्ट तैयार कर दिया है और काफ़ी मजबूत है ये, आप देख सकते हैं इधर भी ये दीवार कर रखी है मैंने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।